subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. Hi friends, welcome to Jyoti's Kitchen Recipe. आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिन्नी. सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और घरों में अलसी की पिन्नी ना बने ऐसा हो सकता है क्या? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो कि बहुत ही पौष्टिक और हेल्दी होता है. तो चलिए देखते हैं हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी. यहाँ मैं ले रही हूँ 200 ग्राम अलसी जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, 200 ग्राम गेहूँ का आटा, 300 ग्राम गुड़, 200 ग्राम घी, 1/3 कप ऑफ किशमिश, 7-8 बादाम, 7-8 काजू ले लिए हैं, 50 ग्राम गोंद, 2 चम्मच सोल्ट पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, 1/2 कप पानी. तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं. अलसी को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे. इसे इस तरीके से चम्मच चलाते हुए भून लेंगे. ये देखिए हमारा अलसी अब भून चुका है. हमने इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर रोस्ट किया है. अलसी जब भून जाता है तो ये हल्का सा फूल जाता है और इसमें चट-चट की आवाज़ आने लगती है. गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे. जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे. जब तक हमारा अलसी ठंडा हो रहा है तब तक हम आटे को भून लेते हैं. घी ले लेंगे. आटा डाल देंगे. और इसे चम्मच चलाते हुए इस तरीके से भून लेंगे. देखिए हमारा आटा भून चुका है. हमने इसे 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर इस तरीके से चम्मच चलाते हुए रोस्ट किया है. आटे की भून जाने की भीनी भीनी खुशबू आने लगी और आप देख सकते हैं इसका कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है. चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और आटे को प्लेट में निकाल लेते हैं. हमारा अलसी ठंडा हो चुका है. इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं. ये देखिए हमारा अलसी ग्राइंड हो चुका है. अब इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं. चलिए अब गोंद फ्राई कर लेते हैं. घी ले लेंगे. घी गरम हो गया है. इसमें बादाम और काजू तल लेंगे. हमारे काजू और बादाम तल गए हैं. इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं. किशमिश को तल लेंगे. किशमिश बहुत जल्दी तल जाती है. 1 या 2 सेकंड में ये इस तरीके से फूल कर ब्राउन हो जाएगी और इसे इस तरीके से निकाल लेंगे. गोंद को फ्राई कर लेंगे. हमारा गोंद इस तरीके से फूलने लगेगा घी में. हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है. ये देखिए गोंद अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है. इसे निकाल लेते हैं. अब हम इसी कढ़ाई में जिसमें थोड़ा सा घी बच गया है उसमें हम अपने अलसी को रोस्ट कर लेंगे जिसे हमने पीस कर रखा हुआ है. हमने अलसी को पहले ड्राई रोस्ट किया था. अब हम इसे पीसने के बाद हल्का सा घी में रोस्ट कर ले रहे हैं. अब हम इसमें अपने स्पाइस डाल लेते हैं. सोल्ट पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अलसी के साथ ही रोस्ट कर लेंगे. इससे हल्दी और सोल्ट का जो कच्चापन है वो चला जाएगा. तो 1 से 2 मिनट ही रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलसी बहुत ही पौष्टिक होता है. इसे सर्दियों में तो खाया ही जाता है. इसे न्यूली मदर को भी दिया जाता है जिससे वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाए.
ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है न्यूली मदर के लिए। ये देखिए हमारा अलसी घी में रोस्ट हो चुका है। इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। अब गुड़ का सिरप बना लेते हैं। लेंगे आधा कप पानी डाल देंगे और इस तरीके से चलाते हुए गुड़ का सिरप बना लेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और पिन्नी बनाना शुरू करते हैं। हम अपने गोंद को इस तरीके से कटोरी या गिलास से क्रश कर लेंगे। हमारा गोंद क्रश हो चुका है। ये इसमें आटा, अलसी और हमारे ड्राई फ्रूट्स और जैगरी को मिक्स कर लेते हैं। रोस्टेड अलसी डाल देंगे जिसे हमने रोस्ट करके रखा है। आटा डाल देंगे, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। गोंद, अलसी, आटा और ड्राई फ्रूट्स अच्छे तरीके से मिल चुका है। चलिए अब हम इसमें गुड़ की सिरप डाल लेते हैं जिसे हमने अभी तैयार किया है। अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा गुड़ भी अच्छे तरीके से मिल गया है। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब पिन्नियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर पिन्नियाँ बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से इसे काजू से इस तरीके से सजा देंगे। ये देखिए हमारी पिन्नी तैयार है। चलिए बाकी पिन्नी भी इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। लीजिए अलसी की पिन्नी तैयार है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और शेयर करिए अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।